ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन गेट एग्जाम। गेट एग्जाम्स मीन्स स्पेशली अभी आपका गेट 2021 आपका स्टार्ट होने वाला, आपका आने वाला जस्ट कुछ दिनों में, तो पहले उसके लिए बात कर लेते। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होगा, आप इसको आगे जो फर्दर जो एग्जाम है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। मीन्स नेक्स्ट ईयर जो आपका गेट 2022 होगा, गेट 2023 होगा, इसके लिए भी आपका ये वाला जो है थ्योरी है, जो भी मैं ट्रिक बता जा रहा, जो भी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जो भी आपको गाइडलाइन किस तरह से प्रिपरेशन करना है बताने जा रहा हूं, वो आपका अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शंस की बात करें तो अन अकेडमी आपको दो तरह का सब्सक्रिप्शंस ऑफर करता है, फर्स्ट प्लस सब्सक्रिप्शंस, सेकंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। नाउ द क्वेश्चंस अराइजेस दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शंस, क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो फर्स्ट बेनिफिट लाइव क्लासेस, सेकंड क्रैश कोर्स, थर्ड वीकली टेस्ट, फोर्थ डाउट सॉल्विंग सेशन। अब देखिए ये जो डाउट सॉल्विंग सेशन है ना, इस डाउट सॉल्विंग सेशन की खासियत ये होगी, एवरी फोर्थ लेक्चर ऑफ लाइव क्लासेस, जो लाइव क्लासेस आपका होगा ना, उसी का एवरी फोर्थ लेक्चर आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। थ्री क्लासेस आपको कंसेप्चुअल एंड थियोरिटिकल होगा, एंड फोर्थ क्लासेस आपका डाउट सॉल्विंग होगा। इसी ऑर्डर में आपका क्लास जो है मूव करेगा। लेक्चर आपको दोनों में मिलेगा, इंग्लिश में इच्छा है तो आप इंग्लिश में अटेंड कीजिए, हिंदी में आपकी इच्छा हो तो हिंदी में आप अटेंड कीजिए, आप पे डिपेंड कर रहा है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच, तो आपका प्लस सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब पूरा का पूरा फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलने वाला है। और आप अभी आपको कंटिन्यू बैच स्टार्ट होते जा रहा है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच स्टार्ट होने वाला है आपका, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट आपका होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? प्लस के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे मिलेंगे। एडिशनली पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे आके मेरी गाड़ी रुक जाती है, क्यों रुकती है? क्योंकि पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस जो होगा ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट देने के बाद सिंपली उस टेस्ट को यूज एंड थ्रो किया, चल दिया, कोई मतलब नहीं बनता। उस टेस्ट पेपर को लेकर आज आपने टेस्ट दिया, मान लिया कि आपको 0 मार्क्स ही आया है, मान लिया आपको -2 मार्क्स आ गया हो, कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। स्टार्टिंग में क्या करना है, उस टेस्ट पेपर को लेना है, एक एक क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। एक एक कॉन्सेप्ट को, किस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया उसके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लेना है। ये आपका होगा पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस। तो टेस्ट एनालिसिस की बात करें तो आपको यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस भी कराया जाएगा। उसके बाद स्पेशलाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं उनके बारे में बात कर। तो ये तो बातें हो गई अन अकेडमी प्लस के बारे में। अब बातें करते कि भाई आखिर न्यू बैचेस कब लॉन्च होगा, कब सब्सक्रिप्शंस आप लोगे? तो देखिए न्यू बैचेस दो तो आपको ए और बैच ए भी आपका लॉन्च हो चुका है, बैच सी आपका 25 जनवरी को लॉन्च हो रहा है। 25 जनवरी को आपका बैच सी लॉन्च होने वाला है, एंड गेट 22 के अलावा गेट 2023 के लिए भी आपका दोनों के लिए बैच लॉन्च हो रहा है, बैच सी आपका। तो जल्दी से जल्दी जिनको भी सब्सक्रिप्शंस लेना है आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले, आप सब्सक्रिप्शंस ले ले। अब सब्सक्रिप्शंस के बारे में बता दूं कि इफ यू आर यूजिंग दिस कोड, अगर आप इस कोड को यूज करोगे देन यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो भी अमाउंट आपको पे करना है उस अमाउंट पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है गेट 2021 के बारे में बात कर रहा हूं मैं,
गेट 2021 एंड गेट 2020, मतलब ये लेक्चर्स पूरा फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होगा आपका, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है आपका, गेट 2022 के लिए बैच कब लॉन्च हो रहा है, 23 के लिए कब लॉन्च हो रहा है, एंड गेट 2021 की बात करें तो आप बोलो सर इसके लिए भी बैच लॉन्च कराओगे क्या? नहीं, इसके लिए बैच लॉन्च नहीं करना है, अब आपको गेट का एग्जाम का टाइम आ चुका है, गेट का एग्जाम देना है कि नहीं? तो उसके लिए आपका जो प्रिपरेशन है उसको चेक करने के लिए आपको बताया जा रहा है। क्या होगा? अनअकैडमी कॉम्बैट सेशन, अनअकैडमी का जो कॉम्बैट सेशन होगा इसके बारे में बात कर रहा है। अनअकैडमी का ये थर्ड कॉम्बैट सेशन है, दो आपका ऑलरेडी हो चुका है, थर्ड जिनको भी रजिस्टर्ड करना है आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड कर ले, क्योंकि 26 जनवरी को आपका फाइनल जो आपका एग्जाम होना है कॉम्बैट सेशन थर्ड सेशन का, वो आपका 26 जनवरी को होगा। एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू पे नथिंग फॉर दिस। सिर्फ आपको अटेंड करना है फिजिकली, सॉरी आपको सिंपली फिजिकली भी नहीं, आपको ये बस ऑनलाइन ही आपका यहां से सिर्फ अपीयर होना है। टेस्ट की बात करें, टेस्ट ड्यूरेशन आपका 65 मिनट का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे आपको, और इस सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, आपको ऑल इंडिया रैंक कितना मिला वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये बेनिफिट होगा इसका, और ये एग्जैक्टली आपका एब्सोल्युटली फ्री है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव नथिंग टू पे फॉर दिस टेस्ट। एंड अगर आप अनलॉक करना चाह रहे आप इस कोड को यूज कीजिए, इस कोड को यूज करके आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट बात करते, अब आ जाते हम लोग हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन गेट 2021। मींस गेट एग्जाम की बात करें तो गेट में अच्छा मार्क्स कैसे लाना है इसके बारे में, इसके लिए क्या मंत्र है इसके लिए बता दे रहा हूं आपको। एक्चुअली अभी आपका एग्जाम होने वाला है, बहुत ही कुछ टाइम के बाद आपका एग्जाम, कुछ टाइम बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है, तो गेट का एग्जाम होना है तो ऑब्वियसली आपको सारे लोग चिंता होगी भाई कैसे स्कोर को स्कोर करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, आप पहले पूरे सिलेबस को आत्मसात करो, पूरे सिलेबस को फोकस करो, भैया क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मार्किंग पैटर्न है, क्या क्या किसका वेटेज कितना है, ये चीजें जब आपके अंदर होगी तब जाकर आप गुड मार्क्स, एक अच्छा स्ट्रेटजी बना सकते हो किसको देख के जाए सो दैट मार्क्स अच्छा आ जाए, क्या क्या मैं कवर करूं सो दैट आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। और अगर मैं बोलूं तो आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो अभी ले चुका हूं, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि इस वीडियोस के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का अगर देखना है तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, नेक्स्ट मैं हाइड्रोलॉजी का भी बनाने जा रहा हूं कि हाइड्रोलॉजी में किस किस टॉपिक को आप देख कर जाए सो दैट आपका कॉन्सेप्ट मीन्स आप अच्छी स्कोर कर पाओगे, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो आपका सबसे पहला बात, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा कि आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करना सीखिए, सिलेबस को देखिए क्या है आपका। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप बोलो कि सर सिलेबस में क्या है, सिलेबस में आपका 15 मार्क्स का तो आपका वो एप्टीट्यूड और जनरल इंजीनियरिंग जो आपका होगा, ये आपका फर्स्ट पोर्शन आपका आ जाएगा, जनरल जो आपका एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंजीनियर आपका इंग्लिश जो होगा, एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एप्टीट्यूड की बात करें या जनरली, दोनों को मिला के कितने आने, 15 क्वेश्चन आने हैं, सॉरी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। इस 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, एंड 5 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल आपको 15 मार्क्स का यहां से आना है, मीन्स 100 आउट ऑफ 100 15 मार्क्स आपको यहां पे आया है। तो और ये जो होता है ना, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये आपका स्कोरिंग सेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि भाई एप्टीट्यूड तो हर कोई बचपन से देखते आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा लोचा कुछ है नहीं, आप यहां पे स्कोर कर सकते, मतलब
10 क्वेश्चन है तो 10 में तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 6-7 क्वेश्चन तो आप स्कोर कर ही सकते हैं। 6-7 क्वेश्चन का मतलब आप 10 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो, यहां से 10 मार्क्स तो आपको यहां से आ जाएगा। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग सॉरी जनरल मैथमेटिक्स बोल रहा हूं, जनरल मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोल दीजिए आप, सॉरी आप बोलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एंड इसकी बात करें तो पहले इससे क्वेश्चन आता था आपका 15 मार्क्स का, बट आजकल आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपका 12-13 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ से। एंड मैथ में तो आप लोग पहले से एक्सपर्ट हो, कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप देख कर भी जाओगे तो इस 12 मार्क्स में एटलीस्ट 6-7 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे। 6-7 मार्क्स मैं ज्यादा नहीं ले रहा, मैं सिंपली बोल रहा हूं कि आपका 6-7 मार्क्स, मैथ है भाई मैथ, आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, मतलब जो भी सिलेबस है आपका, आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। और अगर आपने पढ़ा है तो आपसे कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो लग ही जाएंगे, 2-4 क्वेश्चंस लग गए तो 6-7 मार्क्स तो आपको इजीली से आ जाएंगे यहां से, है कि नहीं। तो इंजीनियरिंग मैथ तो आप देखिए, अगर आप इधर देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट 28 मार्क्स के अराउंड आपका कवर हो जा रहा है, 28 मार्क्स इधर आ रहा है। इस 28 मार्क्स में आप 16-17 मार्क्स तो ला सकते हो, 16-17 मार्क्स आप ला सकते हो 28 में, क्योंकि इधर आपका 15 एप्टीट्यूड तो 10 तो आ सकता है, इधर आपका 6-7 आपका आ सकता है, 16-17 मार्क्स इधर आप ला सकते हो। अब टेक्निकल पेपर की बात करते, टेक्निकल पेपर में आपका कितना हो गया, टेक्निकल पेपर की बात करें तो टेक्निकल पेपर में आपका हो गया कोई 72 मार्क्स के अराउंड, पहले आपका 70 मार्क्स था, अभी 72 मार्क्स के अराउंड आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 65, गेट की बात करें तो टोटल 65 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 65 क्वेश्चन। इस 65 क्वेश्चन में से 10 तो आपका हो गया फर्स्ट वाला सेक्शन, एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश आपका 10 क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट सेक्शन में, एंड सेकंड सेक्शन में आपको मिलेंगे 55 क्वेश्चंस, और इसी में आपका इंजीनियरिंग मैथ एंड टेक्निकल पेपर दोनों होगा। और इस 55 मार्क्स का जो वेटेज होगा 85 मार्क्स, 55 क्वेश्चन जो होंगे इससे आपको 85 मार्क्स इधर होंगे एंड इधर आपका 15 मार्क्स होगा। अब समझते इसके बारे में बात कर लिया, मैथ के बारे में बात कर लिया, टेक्निकल पेपर को कैसे डील करें, हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अब समझते हैं, देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो अब किसी का क्या होगा, किसी का प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होगा, किसी का आपका न्यूमेरिकल मेथड जो आपका ये स्ट्रांग होगा, किसी का डिफरेंशियल इक्वेशन आपका स्ट्रांग होगा, किसी का आपका लीनियर अलजेब्रा स्ट्रांग होगा, तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रांग होगा। और क्वेश्चंस आपको हर एक जगह से आने हैं, और क्वेश्चंस अगर हर एक जगह से आने हैं इट मींस अगर आप इसमें से कोई भी, जैसे कि एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, डिफरेंशियल वाला तो इधर पूरा रख देते, कैलकुलस में ही डाल देते इसको, एंड ये आपका फोर्थ सेक्शन हो गया, तो भाई कोई एक दो सेक्शन तो सही होगा, और अगर होगा तो आप कुछ ना कुछ तो मार्क्स करोगे, और अगर आपने बना लिया तो 6-7 मार्क्स आपको यहां से आ गए, आ जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप बोलो सर कुछ भी नहीं पढ़ू ऐसे आ जाए, तो गिफ्टेड कुछ नहीं है भाई, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा तो देखना पड़ेगा, और लास्ट टाइम में भी देख लोगे तो काम हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका जो सेकंड सेक्शन, टोटल 7 सेक्शन में सिलेबस को डिफाइन किया गया, बांटा गया आपका। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नॉर्मली जो आप 11th में पढ़े हो, आप 11th वाला ही है इसमें आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, आपका इंटरनल फोर्सेस स्ट्रक्चर, फोर्स फ्रिक्शन, इस एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स, पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इंपल्स मोमेंटम, तो ये सारी चीजें क्या है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नया क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क भी कुछ ही नहीं है, बहुत ईजी है। और यहां से मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आपका बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मैकेनिकल में आएंगे,
देखिए मैकेनिकल की बात नहीं, ये आपको सिविल का सिलेबस है, दैट्स वाई इसमें ट्रस आपको नहीं दिया है। और अगर मैकेनिकल का होता तो ट्रस इसमें होता और आपको 3 to 4 marks के आपको सिलेबस हो जाते। बट सिविल की बात करें तो सिविल में आपका ज्यादा नहीं, 1 to 2 marks यहां से आता है। और यहां से जो भी मार्क्स आएंगे आप मान के चलो आपसे लग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ होगा नहीं, बहुत इजी, जो आपने 11th में पढ़ा वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होना है। उसके बाद सॉलिड मैकेनिक्स मिस सोम की बात होगी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस मिस सोम की बात करें तो सोम में आपका वेटेज की बात करें पहले तो ज्यादा था, पहले आपको 10 marks आते, पहले मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दे रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं कैसे आपका प्रिपरेशन होगा, कैसे आप सॉलिडली गेट में परफॉर्म कर सकते हो उसके बारे में बता रहा हूं। तो आपका 10 marks का पहले आता था, बट आजकल इसकी वैल्यू कम हो गई है, 7 marks के अराउंड आपका आ चुका है, 7 के अराउंड है आपका, 7, 8, 6 इस तरह से आपका फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये आपका आ चुका है 7 marks। ठीक है, स्ट्रक्चरल की बात करें तो इसका वेटेज भी आपका 3 to 5 marks है, कभी कभी 6 marks भी आ जाता है, कभी कभी 6 marks भी आ जाता है आपका। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, इसका भी वेटेज आपका 5 marks के अराउंड है, मटेरियल की बात हो रही, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो इससे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, मिस ब्रिक्स टिम्बर आपका जो भी है, मिक्स डिजाइन वाला जो होगा, स्ट्रक्चरल स्टील आपका, कंपोजिशन क्या होगा, इन सारे चीजों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। एंड इसी में आपका पॉट सीपीएम को भी मैंने कंसीडर कर लिया, तो पॉट सीपीएम ये सारे मिला के मिस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट है और इसमें आपको 5 to 6 भी जा सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आएगा। इसके बाद कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, इस दोनों से भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं, मिस 3 to 4 marks इधर से आ जाएंगे, आपका 3 to 4 marks इधर से आ जाएंगे। बट कभी कभी आपको 1 question भी बनता है, जरूरी नहीं है कि 4 marks 3 marks हो ही, कभी आपको 2 marks के भी क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं। तो आपका नॉर्मली जो वेटेज है, अब देखिए इतने सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए, सॉरी बता दिए आपको क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो इस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है, किसी ना किसी 1-2 सेक्शन पे तो कमांड होगा आपका, और अगर कमांड होगा तो आप बोलोगे कि सर यहां से कम भी अगर निकले तो, मान लीजिए कि आपको स्टील स्ट्रक्चर पे कमांड है, प्लास्टिक जो आपका होता है, प्लास्टिक एनालिसिस जो है, प्लास्टिक एनालिसिस बीम ऑफ फ्रेम जो दिया है, इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है गेट में, इससे क्वेश्चन आपका आता ही है, तो जब भी आएगा 2 marks के क्वेश्चन आएंगे, और 2 marks के क्वेश्चन अगर आ गए आप बोलो सर इजिली बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपका 2 marks 4 marks के अराउंड इससे ज्यादा नहीं जाएगा, यहां से आ जाएगा। और यहां से आप ऑल मिस अगर आप देखें तो सारे को अगर मिला दें तो ऑलमोस्ट आप यहां से 10 to 15 marks तो स्कोर कर ही सकते हो, 10 to 15 marks स्कोर कर सकते हो। चलिए 10 to 15 marks नहीं, ज्यादा नहीं लेता हूं, एवरेज लेके चलता हूं, 7 to 8 marks तो आप स्कोर कर ही सकते हो यहां से। अब इतने सारे सब्जेक्ट है, स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, सारे को कवर कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली इतना तो होगा ही आपका, है कि नहीं। चलिए इसके बाद मूव करते जियोटेक्निकल। जियोटेक्निकल अपने आप में एक सिलेबस है, जियोटेक्निकल से आपका अगर देखें तो आप आउट ऑफ 70-72 जो आपका आ रहा है ना, आउट ऑफ दैट ओनली जियोटेक की बात करें तो 15 marks के क्वेश्चन जियोटेक से आते हैं, 15 marks आ रहे हैं। इट मीन्स You can understand the proportions of number which asked in gate exam. Means 70-72 में 15 marks पूछा जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मतलब आप खुद सोच लीजिए ना कितने हो जाएंगे, कितने परसेंट के अराउंड आ रहा है आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट से। जियोटेक्निकल की बात करें तो जियोटेक्निकल से सिर्फ और सिर्फ 15 marks आ रहे हैं, भाई कुछ भी नहीं पढ़ोगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, और थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो आप यहां से कम 6-7 marks तो लेकर जाओगे, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो। और थोड़ा बहुत का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप देखकर चले जाओ, 7 marks तो इजिली आपको आ जाएंगे, इजिली बता रहा हूं, इजिली मतलब मिनिमम है, ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम नहीं आएगा, 7 marks तो आपका वहां से इजिली सिर्फ प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। अब कुछ नहीं पढ़ोगे कोई उपाय नहीं, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए जियोटेक्निकल की बात हो गई, अब बात करते हैं हम लोग वाटर रिसोर्स, एंड वाटर रिसोर्स की अगर बात करें तो वाटर रिसोर्स में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इस दोनों को मैं अभी साइड करता हूं, इस दोनों को एक साथ लेता हूं।
इस दोनों को मिला दिया जाए तो 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, इस दोनों को मिलाकर आपको 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, यहां से आपका आएगा। तो यहां से क्या है, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है तो ले सकते हो, मैं बाद में बता रहा हूं कैसे क्या होगा नहीं होगा बता रहा हूं। तो आप यहां से भी कुछ ना कुछ तो मार्क्स 2 मार्क्स तो कम से कम ले ही सकते। अब इससे क्या कम हो सकता है, 8 मार्क्स में 2 मार्क्स भी आप नहीं ला रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं। चलिए हाइड्रोलॉजी इरिगेशन की बात करें, तो हाइड्रोलॉजी इरिगेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एंड हाइड्रोलॉजी इरिगेशन को मिला दे तो 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको, 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड इसमें से 5 to 6 मार्क्स में 6 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। एक्चुअली मैं इसके सब्जेक्ट इसको लेता भी हूँ, इसका क्लास मैं लेता हूँ, और वहां पे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किस तरह के होगा, हर एक चीजों को बताता हूँ आपको। तो क्या होगा, तो यहाँ से मैं कम नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, यहाँ के क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो 4 to 5 मार्क्स, चलिए 4 मार्क्स तो एक्सपेक्ट करूंगा ही कि इस दोनों को मिला के 4 मार्क्स आप लेकर आओ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे फिक्स है, जैसे हाइड्रोलॉजी हो गया आपका, सॉरी हाइड्रोग्राफ हो गया आपका, आपका इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स हो गया, इस दोनों में से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, तो 2 मार्क्स तो वहीं से आ जाएंगे। उसके बाद आपका फ्लड की बात करेंगे, प्रिसिपिटेशन की बात करेंगे, इवापोरेशन की बात करेंगे, आपका जो सॉरी ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को मिला दें तो आपको कम से कम एक आध क्वेश्चन तो इधर से भी आ जाएगा, और मिला के आपका टोटल मार्क्स इधर से हो गया। इरिगेशन की बात करें, ड्यूटी डेल्टा ये सब जो दिया गया, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एक क्वेश्चन इधर से होता है, सारे को मिक्स करके क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट या इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट ये सारे। ग्रेविटी डैम साइड चले जाइए, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर ये आपका आपका जो सीपेज है, सीपेज आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजों को देख के चले जाइए, क्वेश्चन आपको इधर से आएंगे। तो 4 मार्क्स तो मैं कंसिडर करके चलूंगा, 4 मार्क्स तो यहां से आप ले आओगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल की बात करें तो इसका वेटेज भी आपका वही 10 मार्क्स के अराउंड है, बट आजकल दिख रहा है कभी कभी आपको 12 मार्क्स तक भी पूछ दे रहा है, 12 मार्क्स तक का आपका पूछा जा रहा है। तो आप इसमें वेस्ट वाटर और वाटर दोनों वाला पोर्शन जो है आपका, एयर पॉल्यूशन, म्यूनिसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट, नॉइज पॉल्यूशन, ये सारे को मिला दे तो आपका जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है टोटल आपका 10 to 12 मार्क्स आप बोल सकते। एंड यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस का लेवल वही प्रीवियस ईयर, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देख के चले जाओ तो 5 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप बोलोगे सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज आएगा क्या, गलत है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहा है आपका। तो 5 मार्क्स तो आपको इधर से आ जाएंगे, 5 मार्क्स। नेक्स्ट मूव करता हूं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पहले आपका वही 10 मार्क्स के अराउंड आता था, अब ये था हो गया, अब भी थोड़ा इसका वेटेज कम कर दिया गया है, अभी 8 मार्क्स आता है यहां से, 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एंड 8 मार्क्स की बात करें तो क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक को देखना है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या देखना है, ट्रैफिक में क्या देखना है, आपको पेमेंट डिजाइन में क्या देखना है, मेटेरियल में क्या देखना है, एयरपोर्ट की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, इन सारे चीजों को मेरा लेक्चर्स है उस पर बताया हूं, फिर भी ठीक है ओके। जैसे कि देखिए यहाँ पे रनवे की बात करें तो एयरपोर्ट में ज्यादा है ही नहीं, एयरपोर्ट रनवे लेंथ और टैक्सीवे एग्जिट टैक्सीवे डिजाइन, बस यही है। तो एयरपोर्ट रनवे लेंथ में जो करेक्शन वाला क्वेश्चन होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। रेलवे की बात करें, रेलवे में ज्यादा दिया ही नहीं, सिर्फ ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक ही दिया है, टर्न आउट ये सब तो है ही नहीं आपका, ठीक है ना, सिर्फ ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे की बात हो रही है। चलिए तो इस चार्ट को मिला, उसके बाद हाईवे पेवमेंट की बात करें तो हाईवे पेवमेंट से भी आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, टेस्ट वाले से क्वेश्चन आपको सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा, वो बन जाएंगे। ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक में आपका 2 इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक की बात करें तो इसमें आपका यह मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से आपको ग्रीन शील्ड मॉडल आता है, या ग्रीन शील्ड ग्रीन बर्ग आपका आता है, वो इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक मींस स्पेस हेडवे टाइम हेडवे,
या उससे भी क्वेश्चन बन सकते, बट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आपका सिग्नल डिजाइन बाय वेबस्टर मेथड, बस ये दो टॉपिक भी चले जाओ देख के, तो एक क्वेश्चन तो बन जाएंगे ट्रैफिक से आपको, ये तो बन जाएगा आपका। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चैनलाइजेशन क्या होगा, हाईवे कैपेसिटी आपका जो है आपका क्या होगा, लेवल ऑफ सर्विस क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रैफिक इंजीनियरिंग। और अगर मैं पूरे ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन में सारे के सारे हाईलाइटेड पोर्शन हैं, कहां से क्वेश्चन बनता है, तो एटलीस्ट 6 मार्क्स तो आप लेकर आओगे, आओगे ही आओगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैं कवर कर रहा हूं। मैं इस सब्जेक्ट को एक नहीं बहुत बार बताया हूं कि भैया आप जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उसको कवर करके चले जाओ, 6 मार्क्स तो गारंटी है, 8 में से 6 मार्क्स तो 100% आपको कवर हो जाएगा, वही जितना बताया उससे। 1-2 मार्क्स थोड़ा अपने सेफ्टी के लिए स्टोर कर रहा हूं, बट ये नहीं, मैंने इसको बताया मिनिमम आपका 6 मार्क्स तो सिक्योर होगा आपका यहाँ पे, अगर आपने अच्छा से पढ़ा तो। एंड एट लास्ट जियोमेटिक्स की बात करेंगे, एंड जियोमेटिक्स में आपको ही पता है सर्वेइंग की बात करें तो सर्वेइंग का वेटेज कम नहीं है भाई, सर्वेइंग का वेटेज भी आपको 5 मार्क्स के अराउंड है, 5 मार्क्स के अराउंड है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपका इजी है। अभी थोड़ा बहुत फोटोमेट्री यूज कर दिया है, फोटोमेट्री को डाल दिया, रिमोट सेंसिंग, GIS, ये सबको थोड़ा इंक्लूड कर दिया है, बट क्वेश्चंस का जो सिलेबस है पहले वाला जो था वही अभी भी मेनली वहीं से, इधर से आपको फोटोमेट्री से आपको 1 क्वेश्चन बनेगा, 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, 1 मार्क्स का हो सकता है, 2 मार्क्स का हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट अगर मैं जियोमेट्रिक्स की बात करूं तो जियोमेट्रिक्स से कम आप 3 मार्क्स, मिनिमम 3 मार्क्स तो ला सकते हो। अब इसके बाद समझाता हूं कि ये तो सिलेबस की बात हो गई, अब कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है भाई कि आप पहले क्या करो, इस सारे सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे को भी पता है कि सारे के सारे सब्जेक्ट पे सारे लोगों का कमांड नहीं हो सकता, तो क्या करना है, करोगे क्या आप, इसमें सिंपल आपको ये करना है कि आप पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, जिस समय आपने पढ़ा होगा उस समय कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे आपको जो कि आपका बहुत ही जिसपे फुल कमांड होगा। और अगर आप देखोगे तो इस सारे सब्जेक्ट में, मतलब टोटल सब्जेक्ट जो आपका 13-14 आपका सिविल का है, तो उस 13-14 सब्जेक्ट में आपका 5-6 सब्जेक्ट ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, जैसे जियोटेक आपका, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन आपका, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हो जाएगा सोम, हालांकि सोम का तो थोड़ा वेटेज अभी कम हो गया है, 6 मार्क्स भी आ जा रहा है आजकल। तो ये अगर सारे फ्लूड मैकेनिक्स की बात कर लें, फ्लूड मैकेनिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट क्या आपको वेटेज ज्यादा है, जियोटेक 15 मार्क्स, ये आपका 10-12 मार्क्स, 8 मार्क्स आपका, वही 7-8 मार्क्स, फ्लूड मशीनरी, मशीन मैकेनिक्स और मशीनरी वाला जो पार्ट है मिला के आपको 8 मार्क्स। तो ये सारे क्या है, बड़े बड़े सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर भी आपका 4-5 मार्क्स आता है, जियोटेक भी आपका 4-5 मार्क्स आता है, तो ये सब। उसके बाद फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें, कंक्रीट वहां से भी आपका 4-5 आ जाएगा, स्टील आपका छोटा। तो हर एक सब्जेक्ट का क्या है, एक वेटेज है। आप क्या करो, आपको इसमें से कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट तो जरूर से जरूर आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, जिसमें कि आपको लग रहा होगा कि फुल कमांड है, 2 सब्जेक्ट तो कोई ना कोई होगा। तो उस 2 सब्जेक्ट को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आप बोलोगे सर वो 2 सब्जेक्ट में मेरा इस तरह का कमांड है कि उससे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं तो करके आऊंगा। और मान लिया कि वो दो सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया, उस दोनों सब्जेक्ट को मिला के वेटेज आपका मान ले 20 मार्क्स है, तो इस 20 मार्क्स में आपका कमांड इस तरह का होगा कि आपको कम से कम 15 मार्क्स आने चाहिए। मैं वैसे कमांड की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, नहीं, उस सब्जेक्ट पे ऐसा कमांड होना चाहिए सो दैट यू कैन टेक 15 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स, ऐसा कमांड होना चाहिए। मतलब आपके सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया कि 5 मार्क्स चलो रहने दिया, कुछ लोग को ऐसा कमांड होता है
20 में से 20 भी लेकर आते हैं, तो 15 मार्क्स तो मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, वैसा कमांड होना चाहिए। तो अगर कोई दो सब्जेक्ट पे कमांड उस तरह का है तो 15 मार्क्स तो आप ले आओगे। मैथ प्लस एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश, उसमें क्या आपका कितना आया था आपका 16 to 17 मार्क्स। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए आप बोलोगे 31 to 32 हो गया, 31 to 32। ये बता दो हमने अभी आपको ज्यादा पढ़ाया का जनरल एप्टीट्यूड तो आपको पहले से पढ़ते आ रहे हो। जनरल एप्टीट्यूड तो ज्यादातर लोगों का इजी होता है, आराम से बन जाता है, तो उसमें भी हमने बहुत सारा ग्रेस मार्क दिया कि भाई इसको छोड़ दो, इतना कम करो, मतलब आपका 28 में से मैं बोल रहा हूं 16-17 मार्क्स, बहुत ज्यादा नहीं बोल दिया आपने, इतने आने चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन किया तो इतने आने चाहिए। तो ये और प्लस ये कटअप तो क्रॉस हो गया भाई, कटअप के लिए काय को चिंता करना, कटअप तो आप यहीं पे क्रॉस कर गए। अभी तक आपने क्या किया, सिर्फ किसी सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो कोई दो सब्जेक्ट को आपने फुल कंट्रोल में ले लिया, दो सब्जेक्ट जैसे ही फुल कंट्रोल में आ गया आप बोलोगे सर इसका मतलब कट ऑफ क्रॉस, और कट ऑफ आप देख लीजिए कट ऑफ पार है आपका। अभी भी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, चलिए मान लेते कि ये आपका ट्रांसपोर्टेशन एनवायरमेंट मान लेते, ये दो सब्जेक्ट पे कमांड है आपका। आप बोलोगे सर जियोटेक तो फ्लूड मैकेनिक्स, ये सब भी बचा हुआ है, और इस पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट तो आना ही आना है, कोई नहीं रोक रहा है। अगर आप वो भी देख के जा रहे हैं तो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, मतलब सर इसमें भी अगर सोम की बात करूं तो एक दो नंबर तो बना ही दूंगा। फ्लूड मैकेनिक्स की बात करूं 7-8 में एक दो नंबर का तो बन ही जाएगा। जियोटेक 15 है, 15 में 3 to 4 मार्क्स तो बन ही जाएंगे, तो आप देख लो ना कितने हो जाएंगे 8 मार्क्स के अराउंड इधर हो जाएंगे। आप पहुंच गए 40 मार्क्स के अराउंड पहुंच गए, अभी इसी को मैंने कंसीडर किया। अब इसके बाद आप बोलोगे सर जियोमैटिक्स स्ट्रक्चर, अब जियोमैटिक्स क्या होगा, ये इजी होता है आपका, जियोमैटिक्स सब्जेक्ट आपका इजी होगा। स्ट्रक्चर तो और भी इजी है, स्ट्रक्चर तो आपका और भी इजी होगा। तो ये इस दोनों को मिला के दोनों का वेटेज 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का वेटेज है तो मिनिमम 4 मार्क्स तो आ ही जाएगा भाई। जियोमैटिक्स या स्ट्रक्चर की बात करें दोनों को मिलाकर मिनिमम 4 मार्क्स तो लाओगे ही, और अगर 4 मार्क्स, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो, अगर 4 मार्क्स पढ़ा तो दोनों को मिला के क्या बन गया, यहां से आ गया 44 पे पहुंच गए, अभी और भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं। आप बोलोगे सर अब कौन सा बच गया, भाई हाइड्रोलॉजी इरिगेशन इस दोनों को मिला के मिनिमम 3 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, आपको आना ही है, आपको 3 मार्क्स तो कम से कम, क्योंकि इसमें एज इट इज क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपका 3 मार्क्स तो इधर से होगा, मीन्स आप बोलोगे सर इसके बाद 3 हमने ऐड कर दिया, यहां से बन गया आपका 47, एंड इसके बाद आपका अभी सब्जेक्ट और भी बचा हुआ है। आप बोलोगे सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 मार्क्स मान लेते ना, के बाद बोलोगे सर स्टील स्ट्रक्चर से प्लास्टिक एनालिसिस पूछता ही है, तो मतलब एक चलिए 1 मार्क्स मैं वहां पे भी रखता हूँ, 1-2 मार्क्स स्टील का भी बात कर ले। इसके बाद आप बोलोगे सर और कौन सा सब्जेक्ट बच गया, देख लेते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन कवर्ड हो गया, एनवायरमेंट कवर्ड हो गया, वाटर रिसोर्स कवर्ड हो गया, सॉइल मैकेनिक्स कवर्ड हो गया, कंक्रीट, या कंक्रीट की बात करें कंक्रीट से भी एक दो क्वेश्चन का बन जाएगा क्या। उसके बाद सोम तो देख लिया आपने, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट 5-6 मार्क्स का है, इट मींस आप बोलोगे सर कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट से भी 1 मार्क्स, 3-4 मार्क्स आ रहा है तो 1 मार्क्स तो कम से कम। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मटेरियल वाला जो है मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट 5 मार्क्स के अराउंड आते हैं आपके, 5-6 मार्क्स आ जाता है कभी कभी, कम से कम 2 मार्क्स तो इधर से आ जाएगा, 2-3 मार्क्स। आप बोलोगे सर सारे को अगर ऐड कर देना 50 प्लस स्कोर तो आपका इजीली बनेगा। अब बोलो सर इतना कौन पढ़ता है, इतना पढ़ लेते तो फिर बात ही अलग है। मेरा कहना है आप किसी दो सब्जेक्ट के फुल कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, फुल कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर जाओ,
किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दे, ट्विस्ट कर दे, बना देंगे। बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ज्यादा दिमाग मत लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी कॉन्सेप्ट है लगा दो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन होगा, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, इतना अगर आपने कर लिया आपका 50 प्लस मिनिमम, मैंने हर जगह लिया 50 प्लस स्कोर, जिसके लिए लोग सोचते रहते कि भाई कैसे लाना है, 50 प्लस स्कोर आप इजिली स्कोर कर सकते हो, 50 प्लस स्कोर आपका आसान है। और 50 प्लस स्कोर अगर आप करोगे तो अगर आप चाहते हो कुछ अच्छा करे तो अच्छा के लिए अच्छा पढ़ाई भी करना पड़ेगा। अभी आपको हमने बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट ये दिया कि भैया ये वाला सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, किसी दो सब्जेक्ट पे हमने बोला स्ट्रेस डालने के लिए कि उसके जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बना लूंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं बना के आऊंगा। इस तरह का अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो उस दो सब्जेक्ट से आप जो है आराम से आप मार्क्स ला सकते हो 15 मार्क्स, क्योंकि मैं वही बात ही कर रहा हूं कि आपको ऐसा कमांड करना है कि किसी तरह के क्वेश्चंस आ जाए मैं बना लूंगा, ये होगा आपका। और अगर ऐसे हो गए तो भाई जियोटेक 3-4 मार्क्स लिया हूं मैं, तो जियोटेक आपका 15 मार्क्स में 3-4 मार्क्स ही आएगा, आप 5-7 मार्क्स तो आप अगर थोड़ा अच्छे से भी पढ़ लिया होगा ना, तो इसमें से आप थोड़ा सा अच्छे से भी लगा दिया तो 10 मार्क्स आपको आ जाते हैं, इजिली आ जाते हैं। सोम की बात करें, हमने 2 मार्क्स कवर किया, कि सोम तो बहुत आसान है ना, सोम में क्या दिक्कत है, 2 मार्क्स नहीं इससे ज्यादा भी आएंगे। फ्लूड मैकेनिक्स और आपका जो मशीनरी वाले पार्ट है डायनेमिक्स की बात करें, उसमें हमने 2 मार्क्स लिया 8 में, आउट ऑफ 8 2 मार्क्स ओनली 25%, और ये हमने सारे मिनिमम वैल्यूज लिए हैं। भाई अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो मार्क्स इंप्रूव करेगा, मतलब अगर आप 70 प्लस स्कोर करना चाह रहे हो तो हर एक सब्जेक्ट को, दो को दो पे फुल कमांड एंड हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। अगर उस पे फुल कमांड नहीं भी है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपका काम हो जाएगा, आप 70 प्लस स्कोर कर सकते हो, 50 प्लस तो आपका इजिली हो जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के लिए तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, अगर आपने ये वाला पोर्शन, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले पोर्शंस को समझना आपका जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो चलिए, तो ये बातें थी आज की, मिस कैसे आप गेट एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। अभी भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आपके पास अराउंड 15-20 डेज बचा हुआ है, तो आप उस 15 डेज में इस तरह से प्रिपरेशन करके अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हो। आपको जिस दो सब्जेक्ट पे फुल कमांड हो उसके क्वेश्चंस को आप बोलो कि नहीं हम बना सकते, उसको स्क्योर कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एंड जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बच गए उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, कहां से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है, उस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बिठा लो, उस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बिठा लो, हो गया काम, आप 50 प्लस में हो। अगर अच्छा जा रहे हो, 70 प्लस चाह रहे हो, तो 70 प्लस के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और वो तब होगा जब आपने स्टार्टिंग से किया। और अभी टाइम है, आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ये काम कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जो आपका है ना, वो अभी आपके लिए रामबाण है, क्वेश्चंस दिया, टेस्ट दिया और इसका एनालिसिस किया, टेस्ट प्लस एनालिसिस इस फॉर्म में आपको आगे बढ़ना है। और अगर इस चीज को अगर आप कर रहे हो, इस चीज को फॉलो कर रहे हो, टेस्ट प्लस एनालिसिस और एनालिसिस वाला जो पोर्शन है, ये नहीं कि बस ऐसे इसका सॉल्यूशन देके काम चल गया, नहीं, किस क्वेश्चन से, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था उस कॉन्सेप्ट को सीखना है, टेस्ट सीरीज के हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखना है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ना, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो, तो आप यहाँ से अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, एंड यू ना यू कैन स्कोर मोर देन 50 प्लस तो हो जाएगा, 70 प्लस भी आप कर सकते हो। तो
ये था आपका एग्जाम से पहले का लास्ट का जो आपका मंत्र था उसके बारे में हमने बातें कर ली। एंड जिन लोगों को भी ये तो बातें हो गई गेट 2021, जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उन पे भी ये चीज़ें लागू होगा। वो अपने प्रिपरेशन जब स्टार्ट करें तो ये सोच के करें कि जिस सब्जेक्ट में अपने को मज़ा आने लगा ना उस सब्जेक्ट पे फुल फोकस कर दिया, उस सब्जेक्ट को तो छोड़ेंगे ही नहीं, उस सब्जेक्ट को क्या करना है पूरा फुल्ली फोकस्ड करके उस सब्जेक्ट के हर एक कॉन्सेप्ट को अपने अंदर मतलब इस तरह से सीखना है कि उस सब्जेक्ट का टीचर बन जाना है। उस सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन दे दे बना देंगे ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो सब्जेक्ट जिस समय आप पढ़ रहे हो शुरुआत कर रहे हो उसी समय से आपको क्या करना है कोई दो सब्जेक्ट को उस तरह से स्ट्रांग करना है और उस सब्जेक्ट के रेगुलर इंटरवल्स पे आपको जो है रिविजन्स करते रहना है। और रिमेनिंग जो आपका होगा जो भी सब्जेक्ट है उसको अगर आप 50 प्लस से ज़्यादा नहीं सोच रहे तो अब बोलो सर कौन नहीं सोचता ज़्यादा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कुछ लोग होते हैं जो सोचता रहे यार 50 प्लस आ गया तो बहुत है कि नहीं। अगर वैसे लोग की बात करें तो उसके लिए मैं बता दूँ कि वैसे लोगों के लिए 50 प्लस से ज़्यादा आ गया तो आ गया तो बता दूँ कि ठीक है आप सिर्फ दो सब्जेक्ट पर फोकस कर लो और जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए और उस कॉन्सेप्ट को सीखिए मतलब अच्छे से सीखिए कि उस कॉन्सेप्ट पे जब क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ये सारा कंडक्ट आप कर रहे हो तो आप इजली 50 प्लस स्कोर तो कर ही सकते हो। एंड 70 प्लस जाना है तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने में क्या होगा आपका थोड़ा हर एक सब्जेक्ट को भी फोकस करना पड़ेगा है कि नहीं। तो वहां से आपका 50 प्लस नहीं आप 70 प्लस पे चले जाओगे। तो ये है आपका आज के इस लेक्चर्स का सार कि कैसे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो गेट एग्जाम में, उसके लिए क्या करना होगा। एंड अभी टाइम बचा हुआ है और ये जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और क्रैक द गेट एग्जाम एंड सिक्योर गुड मार्क्स चलिए। एंड जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शंस लेना चाह रहे हैं उनके लिए बता दूं आप अगर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाह रहे हो तो आप इस कोड को यूज़ कीजिए राब्या कोड को यूज कीजिए। जैसे ही आप राब्या कोड यूज़ करोगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। जो लोग मेरे वीडियोज़ के अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट चाह रहे हैं टेलीग्राम आईडी ये दिया गया है टेलीग्राम आईडी आप ज्वाइन कर लें। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू।